तो दिल्ली की 70 सीटों के लिए फाइनल ओपिनियन पोल आ चुका है। एबीपी न्यूज ने 5 फरवरी को 70 सीटों के लिए जो नया यहां पर सर्वे दिया है, इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा और नए जो चैनल हैं उन्होंने भी अपना ओपिनियन पोल दिया है, उनके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं और यहां पर एक एक सीट की आपको ताजा जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तो यहां पर अगर बात करें तो एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे यहां पर आया है। इसके अलावा News24 ने भी यहां पर सर्वे दिया है, आपकी बात दिल्ली में किसकी सरकार, और दिल्ली के लिए फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस पर कई और सवाल किए गए हैं जिनमें साइन बाग से फायदा किसे है, बीजेपी को 39% फायदा होगा, आपको 25, तो कांग्रेस को 4%, किसी को नहीं 10%, पता नहीं ये 22 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकते हैं, आखिरी मूवमेंट पर वो किसके साथ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साइन बाग का धरना सही या गलत, इस पर लोगों की क्या राय है, ये सही कहने वाले 27 है तो गलत कहने वाले 62% लोग साइन बाग का जो धरना है उसको गलत कर रहे हैं, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहाँ पर इसका फायदा होने वाला है। साइन बाग राजनीतिक मोहरा बन गया है, इस पर सर्वे क्या कहता है, 83% लोग इसके पक्ष में है, तो गलत कहने वाले 8%, पता नहीं इसके लिए 9% लोग कहते हैं। अमित शाह के धुआंधार कैंपेन से दिल्ली की तस्वीर बदल रही है क्या, हाँ कहने वाले हैं 53% लोग मानते हैं कि अमित शाह जो रैलियां कर रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा, जबकि 36% इसको ना कह रहे हैं, पता नहीं ऐसे 11% लोग हैं। क्या केजरीवाल को बाहरी मानते हैं लोग, इस पर जो सर्वे किया गया है 20% लोग मानते हैं हाँ, जबकि 72% लोग इसको मानते हैं नहीं, और पता नहीं 7% केजरीवाल पर निजी हमले का बीजेपी को कितना नुकसान होगा। देखिए हाँ कहते हैं 48%, मतलब केजरीवाल पर जो निजी हमला किया जा रहा है, कहीं उनको आतंकी यहाँ पर कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान का साथी भी कहा जा रहा है, ऐसे कई बयान कई नेताओं के द्वारा सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जो सर्वे किया गया है उस पर ये आंकड़े बने हैं। अगला सवाल, पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को फायदा कितना होगा। देखिए यहाँ पर 61% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आखिरी वक्त में रैलियां हो रही हैं उससे बीजेपी को फायदा होने वाला है, नहीं कहते 29, पता नहीं ऐसे 10% लोग हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की 70 सीटों के लिए जो एबीपी न्यूज ने सर्वे दिया है। चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है इसके आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो बीजेपी को यहां पर 37% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी को 47 और कांग्रेस के सिर में 5% सीट। और अगर यहां पर 10 सीटों के लिए आंकड़े दिखा दें तो आम आदमी पार्टी 6 से 8 सीट पर आ सकती है, बीजेपी 1 से 3 और कांग्रेस 0 से 1 सीट यहां पर ला सकती है। अगर गौतम गंभीर की जो लोकसभा सीट है उसके लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं, देखिए ईस्ट दिल्ली से 10 सीटें निकल कर आती हैं और इस सीट पर भी जो आंकड़े बने हैं वो आम आदमी पार्टी 6 से 8 सीट और बीजेपी 1 से 3 सीट और कांग्रेस 0 से 1 सीट यहां पर ला सकती है। अब नई दिल्ली के आंकड़े अगर आपको दिखा दें जहां से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी 45% वोट शेयर और बीजेपी 38, कांग्रेस के सिर्फ 5% वोट शेयर जा रहा है। अगर आंकड़े दिखा दें तो 7 से 9 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी, तो 1 से 3 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में, तो कांग्रेस का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब मनोज तिवारी वाली जो लोकसभा सीट है उसके लिए जो सर्वे है उसके आंकड़े आपको दिखा दें तो यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में 4% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 46% वोट शेयर, तो बीजेपी के हिस्से में 37% वोट शेयर। सीटें अगर आप देखें तो 3 से 5 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहां लीड कर रही है, 4 से 6 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में 0 से 1 सीट यहां पर आ सकती है। साउथ दिल्ली की 10 जो सीटें हैं उसके आंकड़े अगर दिखा दें तो आम आदमी पार्टी 7 से 9 सीटें, 0 से 2 सीटें और कांग्रेस के हिस्से में 0 से 1 सीट यहां पर आ सकती है। कांग्रेस के हिस्से में 4% वोट शेयर और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए 40% वोट शेयर और 37% वोट शेयर बीजेपी के हिस्से में, लेकिन सीटें कितनी देगी कांग्रेस को, 0, 6 से 8 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी, 2 से 4 सीट बीजेपी जीत सकती है। तो 70 सीटों के लिए क्या आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, देखिए 70 सीटों के लिए अगर वोट शेयर आपको दिखा दें तो 40% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के साथ है, तो 37% वोट शेयर यहां पर बीजेपी के साथ है,
और यहाँ पर अगर बात करें 4% वोट शेयर यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में है। अगर आंकड़े यहाँ पर दिखा दें तो यहाँ पर 87% वोट शेयर के आंकड़े हैं, 13% वोट शेयर अभी भी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो किसके पक्ष में जाता है। 13% वोट शेयर आखिरी वक्त पर यहाँ पर आंकड़े बनेंगे कि वो किसके पक्ष में जाते हैं। ये 13% वोट शेयर ही तय करेगा किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि अगर 13% वोट शेयर बीजेपी के साथ आ जाता है तो ये आंकड़ा 50 हो जाता है, फिर आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा है वो पीछे रह जाता है। अब सीटें आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर 87% वोट शेयर का जो यहाँ पर सीटें निकल कर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी 42 से 56 सीटें ला रही है। एबीपी न्यूज ने 5 फरवरी को ये फाइनल आंकड़े दिए हैं, जबकि 10 से 24 सीटें यहाँ पर बीजेपी के हिस्से में, तो 0 से 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। फाइनल यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य चैनल ने जो यहाँ पर ओपिनियन दिया है उसके अनुसार 52% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के साथ है, तो बीजेपी के साथ 42, कांग्रेस के हिस्से में 5% वोट शेयर, अन्य के खाते में 1% वोट शेयर यहाँ पर आ रहा है। अब सीटें देखिए, इसके अनुसार जो संभावित सीटें यहाँ पर निकल कर आई, 70 सीटों के लिए आंकड़े हैं। आम आदमी पार्टी 48 से 53 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 15 से 20 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं, अन्य को 1 सीट यहाँ पर आती नजर नहीं आ रही। तो ये फाइनल आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, दिल्ली की 70 सीटों के लिए आंकड़े हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर जा सकती हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिस आपको टाइम टाइम मिलता रहे।